शिवसेना अवसरवादी पार्टी है, आपका क्या कहना है? देखिए यहाँ पर तो जिस प्रकार से शिवसेना ने उम्मीदवारी दी है और अपना अस्तित्व दिखाने का प्रयास किया है, ये पूरी अवसरवादिता है, क्योंकि एक दुखद घटना के बाद उसको राजनीति के लिए भुनाना, ये जिस प्रकार से शिवसेना कर रही है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। लोग महेश भाई गावित को, बीजेपी को और मोदी जी को ही पसंद करेंगे। ड्रग वाला मामला जो मुंबई में अभी फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है, क्या कहना? उस पर भी राजनीति शुरू हो गई। देखिए मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूँ, चूंकि ये सारा मसला भी कोर्ट में है, इस पर ज्यादा बयान देना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अधिकारियों को थ्रेटन करना ये ठीक नहीं है। जो गवाह है उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाए, इस प्रकार की कार्रवाई अगर होती रहेगी तो आगे में कोई भी गवाही देने के लिए भी सामने नहीं आएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, अब चूंकि कुछ आरोप लगे हैं तो जरूर एनसीबी ने भी उसकी जांच करनी चाहिए। सर, नवाब मलिक ने जो धमकी वाली भाषा का यूज किया और मैंने वही बात कही है कि देखिए इस प्रकार से धमकियां देना ये ठीक नहीं है, और जो न्याय की प्रक्रिया है उस न्याय की प्रक्रिया में इस प्रकार से बाधा लाना ठीक नहीं।